ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं टीवी मैनिपुलेशन। जैसे कि टीवी के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे टीवी के यहाँ पर नॉर्मली मैंने इंटीरियर इमेज मैंने यहाँ पे ले ली है। अगर मेरी इंटीरियर इमेज देखो यहाँ पे, ओके तो टीवी के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक लेयर को, मैंने कॉपी ले ली है जिसको शॉर्टकट किया है कंट्रोल जे। और मुझे क्या करना है, अंदर वाला पार्ट रिमूव करना है, दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, किसी भी एक लेयर पर जाती हूँ और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने किया क्लिक, देन मुझे क्या करना है यहाँ पे सेकंड क्लिक, थर्ड, फोर्थ, देन मैंने यहाँ पे किया फिफ्थ क्लिक, पॉलीगन लेसर टूल जो आपको मिलेगा थर्ड नंबर पे यहाँ पे। नहीं फिफ्थ मैंने क्लिक ही नहीं किया, मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक क्लिक करके मैंने अपना काम किया। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, अंदर वाला पार्ट रिमूव करना है। मैंने यहाँ पे क्या ऑल्ट प्रेस किया, मैंने इसको किया मास्क। अभी अंदर वाला पार्ट रिमूव हुआ है, ऐसे है ना, नीचे लेयर थी तो इसलिए आपको प्रॉपर शो होता है, लेकिन नीचे वाले अगर मैं ऑफ करूँ लेयर तो यहाँ पे अंदर का पार्ट आपका रिमूव हुआ है, ऐसे है ना। अब मुझे अंदर से कुछ डायनासोर हो गया या आपका टाइगर हो गया, कुछ मुझे निकलते हुए दिखाना है, या मैं जाती हूँ अपने गूगल में, बेसिक सा मुझे यहाँ पे सर्च के करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया टाइगर, अब टाइगर इमेज मेरे पास यहाँ पे कैसी है, ऐसे कुछ इमेज मैं ले सकती हूँ, पॉसिबल है? मुझे अगर अपनी ऐसी कुछ इमेज यूज़ करनी है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, या मुझे कोई और अच्छी मिल जाए, या मैं देखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको करती हूँ यहाँ पे सेव इमेजेस, ओके तो मैं सेव करती हूँ, मैं एक दो इमेज और देख लेती हूँ यहाँ पे। बेसिकली अगर मैं ऐसे भी कुछ देखती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसके ये टैल यहाँ पे वो प्रॉब्लम। अब बेसिकली क्या किया, टाइगर मैंने लिया, मैंने यहाँ पे लिया सॉलिड कलर, टाइगर सॉलिड कलर यहाँ पे अलग ही पूरा हो गया। ऐसा भी कुछ कि मुझे क्या करना है, बाहर की तरफ दिखाना है, तो ये क्या होगा साइड में हो जाएगा ये। ऐसा भी लेकिन इसमें क्या सिलेक्शन में गए थोड़ा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि पानी में से ये है। अगर ऐसा कुछ आपको देखना है वो भी देख सकते हो, इसमें कोई मुझे मिल जाए अच्छा। ओके इसमें सबके नॉर्मली जो फिलहाल जो मैंने अभी यहाँ पे इमेज ली है मैं उसी को भी ओपन करती हूँ। जंप लिख देते हैं यहाँ पे, देखो टाइगर जंप में साइड में जंप कर रहा है ये। मुझे क्या चाहिए, सामने की तरफ। अब सामने तरफ कोई यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको, ये दिख रही है, लेकिन ये क्या है, तो कार्टूनिक पे चली गई, रियलिस्टिक में नहीं लग रही। जंप ऐसा, ये पूरा आपको वाटर मार्क में आ गया, वाटर मार्क वाली इमेज हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके तो जो मैंने यहाँ पे अभी इमेज ली है मैं उससे अपना काम करती हूँ, फाइल में जाती हूँ, मैंने क्या किया ओपन। और फिलहाल ये वाली कौन सी मिस थी, ये इमेज थी, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ओपन। मुझे इसका लेना सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया। ऐसा कुछ सिलेक्शन आपका हुआ, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट, कि ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर ले कितना पार्ट इसको सिलेक्ट करना है, कितना पार्ट इसको रिमूव करना है। तो ऑलमोस्ट उसने पार्ट सिलेक्ट किया, लेकिन मेरे पास ये पाँव यहाँ पे कटे हुए हैं, ध्यान से देखना पीछे वाले। इसको मैंने किया कंट्रोल जे, अगर आपको मास्क करना है तो वैसे आप मास्क भी कर सकते हो एज योर विश। ओके नॉर्मल मैंने इसको ऐसा कुछ लिया, बेसिकली मैंने क्या किया मूव टूल ले लिया, मूव टूल से मैंने क्या इसको क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग किया, लेकिन मुझे क्या करना है लेयर को लेना है बीच में, ये अंदर दिखे। अभी अंदर तो मैंने लिया, लेकिन मुझे इसके पीछे एक नेचर इमेज चाहिए जिसमें लगे कि टाइगर वहाँ पे घूम रहा है, या मुझे कोई नेचर इमेज चाहिए। तो नेचर इमेज के लिए मैंने क्या किया, फाइल में जाती हूँ, मैंने किया ओपन, यहाँ से मैं कोई एक कोई भी नेचर इमेज, ऐसे कुछ नेचर इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने मूव लिया यहाँ से, मूव टूल से मैंने इसको किया क्लिक एंड ड्रैग। अब बेसिकली लेयर्स को मुझे मैनेज करना है, कंट्रोल टी मैंने किया, इसको मैं देती हूँ यहाँ पे स्केल। मुझे इसको दिखाना है टीवी के अंदर, देखो लेयर अप डाउन कर सकते हो आप, मुझे दिखाना है ये जो पार्ट है पीछे वाला बहुत स्केल के साथ है, कंट्रोल टी मैंने किया, इसको मैं देती हूँ बहुत ज़्यादा स्केल में। मुझे दिखाना है टीवी के अंदर नाइट का सीन चल रहा है, टीवी के अंदर नाइट का सीन चल रहा है, तो बेसिकली क्या करो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आपको मिलेगा कलर लुकअप लेना चाहिए तभी के लिए, सर आप कलर लुकअप यूज़ कर लो। कलर लुकअप मैंने लिया, कलर लुकअप से मैंने यहाँ से ले लिया नाइट।
अब मुझे क्या दिखाना है, जब मैं टाइगर के ऊपर भी दिखाना है तो मैं टाइगर को ऐसा कुछ, अब मुझे टाइगर के हाफ एरिया को दिखाना है, वो बाहर की तरफ है, तो हाफ एरिया दिखाने के लिए मैंने क्या किया, टाइगर वाले पार्ट को कॉपी किया कंट्रोल जे, और इसको मैंने रखा टीवी के ऊपर ओरिजिनल लेयर पे। मास्क वाले एरिया पे जाती हूँ, बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, और नॉर्मली मैंने इसको किया यहाँ पे ऐसा कुछ। मुझे क्या, आगे वाला पार्ट मुझे रिमूव नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, पीछे वाला पार्ट रिमूव करना है। तो अगेन मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल जे, कॉपी टाइगर वाले पार्ट को, नॉर्मल मैंने लिया ऊपर। स्केलिंग कितनी आपको बैलेंस करनी है, कैसे आपको मैनेज करनी है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ, यहाँ पे मास्क वाले एरिया पे जाके नॉर्मली मुझे पीछे ही वाले पाँव यहाँ पे रिमूव करने हैं। मुझे आगे वाले हाथ तो दिखाने, मुझे पीछे वाले पाँव नहीं दिखाने। जो आपने लिया था फर्स्ट वाले में शैडो को आपने इफेक्ट करने के लिए बनाया डबल क्लिक करके सकती हूँ यहाँ पे पीछे वाले एरिया को मुझे डार्कनेस दिखानी है, आगे वाले एरिया को ब्राइटनेस। तो डार्कनेस दिखाने के लिए मैंने बेसिक सा पार्ट क्या किया, इस वाले एरिया पे मैंने इतना पार्ट सिलेक्ट किया, सिंपल अंदर का जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, लेयर पे जाती हूँ, ऐसा कुछ पार्ट। अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ली, बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, ब्रश में मुझे यहाँ पे कौन सा कलर पिक करना है, पिक मैं कर लेती हूँ ब्लू कलर का, हाँ ब्लू कलर मैंने ऐसा कुछ पिक किया, तो बस क्या है वाइट आया, मैं लेती हूँ ऐसा कुछ कलर, तो डार्क ब्लू आया, यस या नो। बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, ब्रश को मैंने यहाँ पे किया स्केल, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने रफली था यहाँ पे, अंदर अंदर मुझे करना है, बाहर की तरफ करना ही नहीं है, ऐसा कुछ मैंने नॉर्मली बैलेंस किया। अब क्या किया मैं इसको, अगर ब्लेंडिंग मोड पे जाती हूँ तो ब्लेंडिंग मोड पर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, ध्यान से देखो, हल्का सा कुछ फर्क पड़ा, यस या नो। मुझे अगर ऐसा कुछ फर्क पड़ा, मैंने क्या किया, मास्क लिया, जो एक्स्ट्रा एरिया था उसको पहले मैं करती हूँ यहाँ पे रिमूव, ये वाला पार्ट आपका, क्योंकि मेरा मैच कहाँ से हुआ है, इस वाले एरिया से। मुझे अगर यहाँ पे नॉर्मल भी जाना है नॉर्मली मैं ले सकती हूँ ऐसा कुछ, मुझे अगर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है तो मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, सिलेक्शन लेकर जितना आपको पार्ट मैनेज करना है अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ पार्ट। अब ये पार्ट आपका अलग, ये पार्ट आपका अलग। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका पूरा बैकग्राउंड को तो नाइट का सीन देती हूँ, पूरा जो यहाँ पे इंटीरियर वाला पार्ट है पूरा मैं इसको देती हूँ नाइट का सीन। तो नाइट का सीन देने के लिए इसको पहले मैं करती हूँ ऑफ, इसको मैं अभी फिलहाल नहीं दिखाती, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, बेसिकली मैं यहाँ से ले लेती हूँ ये न्यू लेयर, मैंने यहाँ से ली, न्यू लेयर से मैंने यहाँ फिल किया ब्लैक कलर, ऑल्ट बैक स्पेस, ओके। मास्क मैंने यहाँ पे लिया, बी मैंने प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, ब्रश को मैंने यहाँ पे स्केल कर लिया, जितना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, फिलहाल मैंने ऐसा कुछ उसको स्केल किया, मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे रिमूव दिखाना है, ऐसा कुछ हुआ। मुझे कॉर्नर्स ये डार्क में ही दिखाने हैं, वो भी हम लोग बैलेंस करते हैं। अब बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डार्कनेस दिखाई कॉर्नर्स में, आप देखते हो जब भी डार्क का आपको होता है कॉर्नर्स आपके डार्क होते हैं। अब सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ से अगेन लेती हूँ, यहाँ से मैंने ले लिया है नाइट कलर लुकअप, अगेन कलर लुकअप लिया, कलर लुकअप को मैंने बैलेंस कर दिया है मून लाइट में, मून लाइट यहाँ पे आया, यस या नो। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, क्योंकि कई जगह बाहर की लाइट होगी, बाहर की लाइट हल्की सी आती है अंदर आप, क्योंकि बाहर आपकी वाइट लाइट हो, आइडिया लगा नहीं लगा, ऐसा कुछ मैंने बैलेंस किया। बी मैंने प्रेस किया, बी प्रेस करके इसको मैंने इस वाले पार्ट को इरेज करना है, तो मैं यहाँ पे इरेज भी कर सकती हूँ, मुझे इतना डार्क नहीं दिखाना, दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आपको डार्कनेस कम ज़्यादा कुछ दिखानी है वो आप देख सकते हो, मुझे फिलहाल इसको नहीं दिखाना, मैं नॉर्मली यहाँ पे कलर लुकअप देती हूँ, कलर लुकअप मैंने लिया है यहाँ से, मैंने लिया मून लाइट, तो मून लाइट क्या हुआ नॉर्मली ब्लू आया, मैं यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ से मैं लेती हूँ कर्व या लेवल्स, लेवल्स मैंने लिए, लेवल्स को मैं देती हूँ यहाँ पे, आइडिया लग रहा है, डार्कनेस आपकी हुई, यस या नो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डार्कनेस दी है, मुझे नॉर्मली अगर यहाँ पे मुझे कोई लाइट दिखानी है मैं लाइट दिखा सकती हूँ, जैसे ये वाला पार्ट क्या है आपका, कलर लेवल से लेवल मैंने लिया यहाँ पे, डबल क्लिक मैंने यहाँ पे किया, लेवल्स लिया मैंने यहाँ से, यहाँ से मैं लेवल्स को लेके और यहाँ मैं इसमें डार्कनेस कर दी, दिखा आपको यहाँ पे, बस और मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डार्कनेस दिखानी, डार्कनेस मैं दिखा सकती हूँ ऐसे कुछ,
अब सपोज अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, टीवी में लाइट है तो बाहर भी लाइट होगी, मुझे बाहर की तरफ जो लाइट दिखाई, लाइट के लिए मैं क्या किया मैंने यहाँ पे? ओके लेवल, ओके इस एक को मैं बंद करती हूँ, मैं एक को चालू रख दूँ यहाँ पे लेवल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लेती हूँ पॉलीगन लेसर टूल। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट कि मैं क्या करती हूँ नॉर्मली, अंडू मैंने यहाँ पे अगेन किया, यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्टिविटी और यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्टिविटी, और इसको मैंने किया ऐसा कुछ रफली किया मैंने इसको। मुझे कलर कौन सा चाहिए, मुझे ब्राइट कलर चाहिए, ब्लू कलर, ऐसा कुछ ब्लू कलर पॉसिबल है क्या, या डार्क ब्लू कलर एज योर विश? ऑल्ट मैंने बैक, तो यहाँ पे एक कलर यहाँ पे दिखा आपको, कंट्रोल डी मैंने किया, नॉर्मल दिखा, यहाँ पे कोई लाइट आपकी जा रही है सामने की तरफ, कंट्रोल टी मैंने किया, मुझे इसको बैलेंस करना है, राइट क्लिक मैंने यहाँ पे किया, स्क्यू है मेरे पास, स्क्यू से मैं कैसे बैलेंस कर पाऊंगी? मुझे प्रॉपरली मैंने यहाँ पे से दो ही चीज़ दिखाई है, अगर आपको प्रॉपरली लाइट दिखानी है वो भी आप दिखा सकते हो, किसी भी एक एंगल को टारगेट करने के लिए, किसी भी एक चीज़ को टारगेट करने को मेरे पास यहाँ पे, प्रॉपर्ली लाइट में वो एक पॉलीगन था उसको पूरा सेलेक्ट करके वो भी कर सकते रेक्टेंगल हो, आप सेलेक्ट करके फिर से वो भी नॉर्मल कर सकते हो। मुझे अगर नॉर्मल चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको फिलहाल मैं करती हूँ यहाँ पे डिलीट, मैंने नॉर्मल सामने तरफ साइड के सामने तरफ मुझे नहीं दिखाया, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि पॉलीगन मैंने यहाँ पे लिया ऐसा कुछ पार्ट, ये पार्ट मुझे क्या करना है, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, नॉर्मल लाइट आपके यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है आपको ये, और आपको डार्कनेस में आया तो क्या करना है, मास्क कर सकते हो, बी मैंने प्रेस किया, मुझे क्या करना है इसको हल्का सा, आइडिया लगा नहीं लगा? बेसिकली मुझे अगर ऐसा कोई बैलेंस करना, अब अगर टीवी की लाइट सामने हो गई तो सामने भी तो कोई लाइट आती है, वही मैं बोल रहा था मुझे अगर जैसा वैसी कोई लाइट दिखानी है तो सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे, फिलहाल मैं लेती हूँ यहाँ पे लेसर टूल, लेसर टूल, लेसर टूल से मैंने किया, फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, या आप इलिप्स भी ले सकते हो एज योर विश। अब जैसे सपोज मैं रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया, सॉरी मैं लेती हूँ यहाँ पे इलिप्स, या फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे लेसर टूल, लेसो मैंने यहाँ पे, लेसो से अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे मुझे दिखानी है लाइट ऐसी कुछ कि सामने से मेरी कोई लाइट आ रही है, तो फर्स्ट पे वो लाइट मेरी मेरे ब्लर होके आती है, इक्वल आती है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ले ली, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, ब्लैक कलर आया, मुझे कलर कौन सा देना है यहाँ पे, ब्लू, तो ध्यान देना है आप ब्लू कलर कर लेना, जो भी आपको कलर चाहिए ऐसा कुछ ब्लू, ये आपको बैकग्राउंड के हिसाब का चाहिए तो वो मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेती हूँ ऐसा कुछ। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ ब्लू कलर, मुझे आई थिंक ऐसा कुछ मैच करेगा, या फिर हल्का सा ऐसा कुछ ब्लू, दिख रहा है आपको ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने क्या किया, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, नॉर्मल लाइट लिया, मुझे इसको करना है फ्लिप, कंट्रोल टी मैंने क्या राइट क्लिक किया, फ्लिप, तो मैं इसको ऐसा कर, मैं अगर इसको ऐसा कुछ दिया, मुझे यहाँ पे स्क्यू भी है मेरे पास, चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत सारी है, एंटर मैंने प्रेस किया, फिलहाल फिल्टर पे जाती हूँ, मैंने किया ब्लर, देन मैं जाती हूँ गोशन ब्लर, गोशन ब्लर सपोज मैंने यहाँ पे किया, मुझे कितना यहाँ ब्लर करना है ऐसा कुछ मैंने ब्लर किया, इसको मैं नॉर्मल लेती हूँ यहाँ से ब्लेंडिंग मोड, ऐसा कुछ मैंने किया, ओपेसिटी मेरी कम होगी, फिलहाल मुझे अब इसको करना है प्रॉपर बैलेंस, बैलेंस जैसे मेरे पास ये बाहर वाला एरिया है, लाइट अगर होगी तो ऐसे अप डाउन आपकी होती है, यस या नो? मैं लाइट ऐसी कुछ ले ली यहाँ पे, जब भी आपकी लाइट टीवी चलेगी तो आपका ऊपर नीचे लाइट आपकी आती है, ये मैंने पार्ट लिया, मुझे सोफे पे ऐसी लाइट नहीं दिखानी, तो मैं यहाँ पे इरेज कर सकती हूँ, अगर आपको इससे करना है, मुझे अगर यहाँ पे ये लाइट नहीं दिखानी, सॉरी ब्लैक कलर हो रहा है यहाँ पे, तो क्या करना है मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ओके ये स्क्रीन आ गई, इसलिए पहले आप ये रिमूव कर लेना, क्या हो गया इसको, यहाँ पे आपको डार्कनेस आपके यहाँ पे आ रही है, तो ये आपको ब्लैक कलर आ रहा है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे, बेसिकली कैसे आपको बैलेंस करना है उससे आप सब यहाँ पे देख सकते हो, मुझे सोफे पे हल्की चाहिए लाइटिंग, मेरे पास देखो ये वाला पार्ट डार्क में जाएगा, क्योंकि पीछे वाला जो भी पार्ट होगा आपका डार्क में जाएगा, अगर आपको ऐसा कोई बैलेंस करना है ऐसा कोई बैलेंस करो, अगर कुछ आपको अलग वे बैलेंस करना है वो करो। अब जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे एक और चीज़ होती है, सपोज मैंने लिया यहाँ पेन टूल लिया रफली, मैंने पेन टूल से मैंने क्या किया, गैस कुछ नहीं करना, पेन टूल इतना होनी है सिंपल, क्या करना है मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे एक टारगेट बना लिया, जो कि मैं नॉर्मल भी बनाया था, ये अगर ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाना, सिंपल लेसो से ही आप बना लो, लेसो से ही सिंपल यहाँ पे आपको लाइटनेस दिखानी है, ये मैंने किया, मुझे अगर लाइट दिखानी है प्रॉपर अपनी स्क्रीन पर, साइड में घूमते फिरते पॉसिबल है क्या?
क्योंकि सोफा मेरे ये आगे आ रहा है, सोफे में आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो बेसिकली इतना आइडिया लगा नहीं लगा। अब इसकी मुझे अगर ओपेसिटी कम करनी, देखो लाइटनेस आपके यहाँ पे है, मुझे हल्की लाइटनेस दिखानी है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी और डार्कनेस दिखानी है वो आप और डार्कनेस यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे मैंने लिया यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा थोड़े कलर आपको चेंज हो रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ कलर दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बैलेंस कर सकती हूँ। या जो भी आपको काम करना है वो कोशिश करना आपको न्यू लेयर लेके ही करना है। अगर सपोज आपको अगर ऐसी कुछ लाइट नहीं दिखा, मेरे पास ये ब्लू कलर की मैंने लाइट दी है, मुझे ब्लू कलर की लाइट नहीं दिखानी, सपोज इसकी जगह व्हाइट कलर की लाइट दे दूँ, आइडिया लगा, तो उसके साथ कैसे बैलेंस कर सकते हो, जैसा आपका आउटपुट है जैसा आप बैलेंस करना चाहते हो। बी मैंने प्रेस किया, मैं चाहती हूँ इस वाले एरिया मुझे लाइट नहीं दिखानी, दिख रहा है आपको डार्कनेस आपकी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक करूँगी, क्योंकि टीवी के सामने है ना, तो पीछे वाला पार्ट में डार्क होगा या ब्राइट होगा, तो ऐसा कुछ पार्ट मुझे, अगर ये वाला पार्ट भी इतना नहीं विजिबल, आइडिया लगा गई नहीं लगा। एक्स मैंने प्रेस किया, मुझे नॉर्मली अगर उसको बैलेंस करना है। आप कोई कन्फ्यूज़न है, आप कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न तो बोलो। मुझे अगर यहाँ पे टाइगर को और डार्कनेस में दिखाना है, दिख रहा है ये टाइगर आपको, तो मुझे टाइगर को थोड़ा डार्कनेस में दिखाना, तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं लेती हूँ कलर लुकअप, कलर लुकअप इसको मैं करती हूँ कॉर्नर पर जाके क्रिएट क्लिटिंग मास्क, और मैं यहाँ से मून लाइट, आपको जो भी यहाँ पे लाइट चाहिए वो आप ले सकते हो, ऐसी कुछ लाइट अदर है, स्ट्रिप्स है, नाइट फॉर्म। अभी लाइट कौन सी आ रही है आपकी, मैं अगर नॉर्मल देखती हूँ यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ऐसे कुछ दिखानी है, ऐसा कुछ दिखाना है, ऐसे वो देख, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कैसे आपको लाइट दिखानी है। आइडिया लगा गाइस नहीं लगा? कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप लोग बोलो।